नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। इन्वेस्टर्स आएंगे, विकास लाएंगे। जी हां, धर्मशाला में इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है, जिसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंच चुके हैं और तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राइजिंग हिमाचल, या फिर यूं कहें कि विकास की ओर चलता हिमाचल, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब प्रदेश में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर्स मीट में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रदेश में इस तरह का मेगा इवेंट पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। इसको लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, सफाई व्यवस्था भी सुचारू की गई है। प्रदेश में हर 30-30 मीटर पर लाइटें लगाई गई हैं। निवेशकों को बैठने के लिए पंडाल भी लगाया है। होटलों और गाड़ियों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब हमारा जो राइजिंग हिमाचल, जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो शेड्यूल है, बहुत करीब है, 7 और 8 तारीख को, और आज तैयारी के सिलसिले में यहाँ देखने के लिए आए हैं। और मुझे संतोष है इस बात का कि तैयारियाँ जोरों पर चली हैं और 2 दिन हमारे बीच में जो बचते हैं, इन 2 दिनों में जो है पूरी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। और उसके बाद ये इवेंट एक ऐतिहासिक इवेंट होगा हिमाचल प्रदेश। इसके लिए प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ने मौके का जायजा लिया और कहा कि ये एक ऐतिहासिक इवेंट होगा, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक नया कार्य, एक नया इवेंट हिमाचल प्रदेश जो है वो करने जा रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक नए विजन के साथ हम लोग ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 7 और 8 तारीख को, नवंबर को, यहाँ धर्मशाला में तय किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी इनॉग्रेशन में आ रहे हैं, इस काम को शुरू करने के लिए। इस मेगा इवेंट की खास बात यह है कि इसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी निवेशक और एम्बेसडर्स आएंगे। एक अच्छा रुझान हमने इन्वेस्टर्स का इसमें देखा है, और पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के आने की संभावना हिमाचल प्रदेश में हमको लग रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि इस इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कितने निवेशक कहां से आएंगे। देश विदेश से आएंगे निवेशक और एम्बेसडर्स। देश से 1710 निवेशकों का होगा आगमन। 200 विदेशी निवेशक लेंगे इन्वेस्टर्स मीट में भाग। वियतनाम के 28 निवेशक आएंगे। रशिया से 11 निवेशक आएंगे। यूएस से 6 निवेशक आएंगे। जर्मनी से 2 निवेशक आएंगे। मलेशिया से 14 निवेशक पहुंचेंगे। 12 देशों के एम्बेसडर भी पहुंचेंगे धर्मशाला। इतना ही नहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी मिली है, जो कि इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन में बहुत ही अहम साबित हो रही है। मैं इस बात के लिए मानता हूं कि समय हर चीज़ के लिए लगता है, और लेकिन कुछ नए इनिशिएटिव हमने जो पॉलिसी के माध्यम से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से जो हमने करने की कोशिश की, उसके रुझान, उसका जो है परिणाम अच्छा दिखने को हमको मिला है, और उसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हुई है और इन्वेस्टमेंट में लोग आ रहे हैं। अभी तक हमको लगभग 11 करोड़ रुपये जो हमको केंद्र सरकार से मिले, उसमें 10 करोड़ जो है हमको जो है वो पीयूष गोयल जी के माध्यम से और एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश इस समिट को ऑर्गेनाइज करने की मदद करेंगे। प्रदेश में होने जा रहे मेगा इवेंट के लिए तैयारियों को बस अंतिम रूपरेखा दी जा रही है। इवेंट के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सीएम जयराम ठाकुर भी धर्मशाला पहुंच चुके हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 7 और 8 नवंबर को इसमें क्या कुछ खास होगा और प्रदेश के लिए इन्वेस्टर्स मीट कितनी फायदेमंद साबित होगी। जनता टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार की रिपोर्ट।